संविधान तो साफ है, लेकिन संविधान को आपने किस तरीके से परिभाषित किया है उसको देखिए। 1993 तक तो सारे जजों का अपॉइंटमेंट सरकार ही करते थे और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन होता था। और उस समय 93 से पहले जितने भी जजेस बनाए हैं वो आप देखिए एक से बढ़कर एक एमिनेंट जजेस बने हैं इस देश में, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो या सुप्रीम कोर्ट में। 93 के बाद जो फर्स्ट जजेस का केस आया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में कंसल्टेशन लिखा है, संविधान क्लियर है आपने पढ़ा होगा, संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि लॉ मिनिस्टर सारा फाइल प्रोसेस करते हैं, प्रधानमंत्री जी के अप्रूवल से राष्ट्रपति के पास भेजते, हम चीफ जस्टिस के वहां सिर्फ कंसल्टेशन के लिए भेजते थे। 93 में उस कंसल्टेशन को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया कि कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस होता है, वैसे किसी भी जगह में कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं होता है, सिर्फ जजेस का अपॉइंटमेंट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसल्टेशन को कॉन्करेंस के रूप में इसको परिभाषित किया। उसके बाद फिर उसको कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपांड किया 98 में, आज हाई कोर्ट के जजेस के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट के लिए 1+2 होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और जजेस का ट्रांसफर के लिए 1+4 कॉलेजियम होते हैं, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट 4 जजेस। तो आज जो जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम से लॉ मिनिस्टर के पास आते हैं, लॉ मिनिस्टर प्रक्रिया करते हैं, उसमें भी कई लोग आपत्ति देते हैं कि अरे लॉ मिनिस्टर इतना डिले करते हैं, लॉ मिनिस्टर का वहां में जजेस का नाम पेंडिंग है। हम तो ड्यू डिलीजेंस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, लेकिन पहले तो संविधान के उस स्पिरिट को देखा जाएगा, तो ये तो सिर्फ सरकार का ही काम है। दूसरी बात, दुनिया में कहीं भी जजेस अपने अपने जो बिरादरी के उसको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, जजेस अपॉइंट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मूल रूप से जो जजों का काम है वो लोगों को न्याय देना। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है, कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। उस कंसल्टेशन के जो प्रक्रिया है वो बहुत इंटेंस होते हैं, वो दिखता नहीं है। आम आदमी जो राजनीति देखते हैं ना, बहुत उथल पुथल होते हैं। जुडिशरी का अंदर में जो पॉलिटिक्स होते हैं वो कोई दिखता नहीं है, वहां इतना इंटेंस डिलीवरेशन होते हैं चयन प्रक्रिया में, उस समय गुटबाजी तक हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात कहते हुए। और किसको अगले जज बनाना है उसका प्रक्रिया जो है बहुत ही ओपैक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वो करते करते धीरे धीरे हाई कोर्ट से सीधा हमारे पास आता है जो प्रक्रिया है। हम भी फिर जांच पड़ताल करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव होने के नाते सरकार का काम ही होता है कि जांच पड़ताल करना, और हम देखते हैं कि कौन आदमी सही होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक है कि नहीं, या हाई कोर्ट के जज बनने लायक है कि नहीं। लेकिन जो आपने मूल सवाल पूछा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम चलने से जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जुडिशरी को, ये भी मैं समझता हूं। अगर कोई भी जज अगले जज अपॉइंटमेंट में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो जज को क्रिटिसिज्म करने का भी कोई रास्ता नहीं खोलता है। अगर जज ही अगले जज को अपॉइंटमेंट करता है तो क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आ गए, तो फिर वो क्रिटिसिज्म से दूर नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। आप अगर एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है तो उसका समीक्षा जरूर होगा। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।